नहाने जा रहे हैं। सब नहाने जा रहे हैं, मैं खुद नहीं नहाया हूँ अभी तक। अभी मुझे जाना नहाने। अभी नहाते हो ना, शॉट लूंगा, सिनेमैटिक शॉट लूंगा। सबको तो ऐसे दिखा रहे कबाड़ी में। तो जी आज कटरा में हमारा डे 3, और जैसा कि आपको पता है इंसान कभी भी टाइम पे रेडी नहीं होते, तो हम भी कभी रेडी नहीं होंगे। और ऑलमोस्ट सारे रेडी हो चुके हैं, सिर्फ मैं बचा हूँ। मेरे को ब्रश भी करनी है, मुझे नहाना भी है, मुझे कपड़े पहनने हैं, मुझे अपना धोके भी सुखाना है। सो बहुत सारे काम है यार, मैं नहा के मिलता हूँ। लेकिन कोई निकलने को राजी नहीं है, हमारी गाड़ी नीचे खड़ी है लिटरली। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे है क्या, ओ यरी हमारी ट्रैवलर यरी। बाकी की जनता कहाँ है, अपडेट देना। रेडी हो? Yes. जवानों चले? Yes. क्या करें इसका? मॉर्निंग में हमारी एक टीम मीटिंग हुई थी, तो जैसा कि हम 14 लोग हैं पूरे, ये तो 4 है सॉरी, हम तकरीबन 14 लोग हैं। और मॉर्निंग में हमारी टीम मीटिंग हुई थी कि हमें कहाँ जाना चाहिए। वी हैड टू डेस्टिनेशंस, जिसमें कि पहला था नाथा टॉप, पंडी टॉप था कि जो कि मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही पड़ जाता है। और उसके बाद था शिवखौरी, जहाँ पे हमें शिव जी से मिलने जाना था। तो उन दोनों पे हमारी बहस चली थी, तो मेजॉरिटी ने ये डिसाइड किया है कि हम एक जगह पे जाएंगे। आगे चल के पता चल जाएगा आपको कहाँ जा रहे हैं। मैं अभी खड़ा हूँ अपने होटल के बाहर, और मेरे पीछे जो आपको दिख रही है ना, ये हमारी आज की ट्रैवल वैन है। ओके, ये हमने पूरी बुक की हुई है। हमारे चीते अभी आसपास घूम रहे हैं, सारे आने वाले हैं, इसमें बैठ के फिर हम निकलेंगे हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। वो आपको पता चलेगा बाद में कि हम कहाँ जा रहे हैं। और फिर फट से बिना किसी इंतजार के हम सब होते हैं अपनी मिनी बस में लोड, और निकल देते हैं हमारे आज के एडवेंचर पे। मगर उससे पहले एक छोटा सा स्टॉप लेना पड़ता है हमें यहाँ। तो जी तकरीबन 5 से 10 मिनट में हम अपने पहले डेस्टिनेशन पहुँच चुके हैं, जो कि नौ देवी का मंदिर। यहाँ से अभी हमको स्टेयर्स से नीचे जाना है, और ये सारे बैठे हुए हैं, कोई उतरने को राजी नहीं है। उतरेगा फिर सभी अपना अपना प्रसाद खरीदने के बाद चल देते हैं नीचे मंदिर की ओर। मंदिर से दर्शन करने के बाद बाहर आते हैं, तभी ये हो जाता है। देखो ये स्नैचर, इनका प्रसाद लेके वो भाग चुका है, वहाँ पे मजे से खा रहा है भाई। यहाँ सावधान, यहाँ क्या कहीं भी सावधान। कितने बंदर हैं, बंदर नहीं है ये, स्नैचर हैं यहाँ के। फिर एक दूसरे का सहारा लेते हुए सभी सीढ़ियों को पार करके वापस आ जाते हैं अपनी बस के पास। ये हम फाइनली पहुंच गए एक दूसरे का सहारा लेते हुए। दर्शन बहुत अच्छे हुए भाई, इतनी अच्छी गुफा थी। जय माता दी। क्या मस्त एक्सपीरियंस था, मतलब वैष्णो देवी वाली फील आ गई। वहाँ से गुफा के अंदर जा रहे हैं, फिर नौ देवी के दर्शन हुआ, वही पिंडी रूप में, और बंदरों ने जो स्कैम करा वो अलग। अब वापस से हमें यहाँ से अपने ट्रैवलर पे बैठ के जाना है आगे की ओर। चलते हैं, वो नहीं बताऊंगा कहाँ पे आज जाना है। ये क्या लिया है, ये पानी भरवाया है क्या? ओह नाइस, देख के चलिए। क्या ये क्या है? समोसे, समोसे। और फिर एक बार हमारी मिनी बस में बैठने के बाद हम निकल देते हैं हमारे आगे के सफर पे। और इसी के साथ हम निकल पड़ते हैं अपने आगे के सफर पे, बहुत मजा आने वाला है। और इस प्यारे से जयकारे के बाद बारी थी ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरा शायद पेट नहीं भरता, इसलिए मैं निकल जाता हूँ थोड़ी सी हवा खाने। मगर वो यहाँ के रोड को मंजूर कहाँ था, तभी आता है ये वाला रास्ता। लेकिन ये कुछ खास देर तक टिकता नहीं है, तभी हमारी नजर पड़ती है यहाँ, और फिर मैं सपनों में खो जाता हूँ। लेकिन फिर उठना पड़ा, क्योंकि स्नैक्स का नाम सुनकर किसकी आंख नहीं खुलेगी। निमका ले रहे हैं, कहीं नहीं मिली,
ये है लिमका दे दीजिए, पूरी गाड़ी के लिए बहुत है। कोल्ड ड्रिंक लेने के बाद बारी थी अब पानी भरने की। पानी पीना, ये भैया नहा रहे हैं। पहाड़ों का पानी सब एक बराबर है, नहा लो पी लो, बर्तन धो लो, कुछ धो लो, कुछ कर लो, है ना? और क्या, ये मुझे दे रहे हैं। इतने सब स्टॉप्स लेने के बाद जैसे जैसे हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है वैसे वैसे नज़ारों की खूबसूरती का एहसास होता है, मगर ये सब देखना इन भैया के बिना पॉसिबल नहीं था। ये हैं सोनी भैया, हमारे बस के ड्राइवर, जिनके साथ हम पूरे 7 से 8 घंटे सफ़र पे थे। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि एक प्रोफेशनल ड्राइवर और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। फिर हम हंसी खुशी जा ही रहे होते हैं तभी हमें दिखता है ये, लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद हो जाता है। लेकिन तभी हमारे ड्राइवर साहब कहते हैं ये कोई लैंडस्लाइड थोड़ी है, ये तो पहाड़ की खुदाई करके रोड को बड़ा बनाया जा रहा है। और फिर थोड़ी ही देर में अपने स्टॉप पर पहुंचने के बाद एक शेयरिंग टैक्सी लेकर हम पहुंच जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। एक बार और मीठा लाल क्या खाना है बताओ? आगे पकौड़े। तो जी इसी के साथ अपन पहुंच चुके हैं हमारी उस जगह पे जहां से हमें अपना ट्रैक शुरू करना है। हम आए हैं शिवखोड़ी और मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ यार, मेरे को कब से तमन्ना थी यहाँ आने की और आज हम हैं यहाँ पे। हटो यहाँ से, हटो भाई, मैं हूँ यहाँ पे। अरे हट जाओ यार, यार ये बदतमीजी मत करो यार, मैं तो लीचड़ यार, ये यार आप हो यार, आलू पूड़ी के लिए इतना नहीं कर सकते? वो तो कर रही है, आप ही मेरे पीछे कर लूंगी, चलो साइड हो जाओ, मैं दूंगी। साला मेरे को लाइन से निकाल दिया। मैं दूंगी आपको, साला मैंने चाहिए एक पूड़ी दूंगी मैं, लाइन से मैं इसके पीछे था। फिर वीडियो बनाओ, मैं एक पूड़ी दूंगी ले लूंगी। तो अब ऐसे टूट के पड़ गए लंगर की लाइन पे, भाई मेरे को लाइन से निकाल दिया। अभी तो डायलॉग मार रहा था ना, मैं यहाँ से खुश खड़ा होता वही लाइन शुरू होती, कहाँ से लाइन, यहाँ लाइन खड़ी तो है, देखा नहीं पीछे लाइन है। फिर अपने लोगों से ही धोखा खाने के बाद अब भारी थी लंगर खाने की। एंड ट्रस्ट मी, इससे बेस्ट आलू पूरी मैंने आज तक नहीं खाई थी। तब पेट और मन भर जाने के बाद हम शुरू कर देते हैं हमारी आज की ट्रैकिंग। भाई थोड़ा सा लेट हो गया है लेकिन दर्शन की बात करें ना, मतलब आत्मा तृप्त हो गई सच्ची में। मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ और इतना अच्छा लगा ना मुझे आके, इससे पूछो, मेरी आँख से आंसू नहीं रुक रहा था। मेरी क्या, हमारे साथ जितने लोग आए थे ना ऑलमोस्ट सब फूट फूट के रो रहे थे और पता नहीं क्यों एक अलग एनर्जी, एक अलग वाइब भाई, मतलब बहुत कुछ, इतना कुछ देखा। पंडित जी ने इतने प्यार से समझाया, हम 2 बार गए हैं, पहले हम एक तरफ से गए जो कि नॉर्मल सिर्फ प्लेन गुफा थी, फिर हम दूसरी तरफ से गए जो कि इसने बोला था कि भाई उधर से जाएंगे, हमें पहले तो जाने नहीं दिया, मैं थोड़ा मायूस हो गया। उसके बाद एक हमारे थे मिलिट्री वाले अंकल आए, उन्होंने हम पे थोड़ी दया दिखाई हमारे मायूस चेहरों पर, फिर उन्होंने लेके गए। और फिर वो जो गुफा थी बाबा, उसमें ऐसे रेंग रेंग के निकल रहे हैं, लिटरली इतनी जगह थी कि जितना हमारा शरीर निकल जाए, ऐसे ऐसे जा रहे हैं हम यार। इतना अच्छा लगा ना, सुकून मिल गया, मतलब अब ये ना, ये मेरी लाइफ की ऐसी चीज़ हो गई है, यहाँ पे मुझे आना ही आना है, मैं कहीं जाऊँ ना जाऊँ लेकिन मुझे यहाँ ज़रूर आना है भाई। मतलब आई लव दिस प्लेस एंड आई लव यू महादेव। अभी सीन कुछ ऐसा है कि हम हो गए बहुत ज़्यादा लेट, हमें आ जाना, हमें नीचे पहुंच जाना चाहिए था तकरीबन 1.5 घंटा पहले, लेकिन हमने 2 बार दर्शन कर लिया इस, बहुत मज़ा आ गया। बस इस चक्कर में नीचे कैब वाला जो है वेट कर रहा है। हाँ हाँ आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, जल्दी जूते पहनो, जल्दी चलो, दौड़ लगानी है यार। गाइस कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ना लाइट चली गई है, कुछ तो गड़बड़ घोटाला चल रहा है, इतना अंधेरा हो गया ना, गुप अंधेरा, एकदम जिंदा घंघोर अंधेरा भाई, अखंड अंधेरा, जितने अक्षर मिले सब सब अंधेरे में डाल दो, ऐसा अंधेरा। जाते हुए इतना उजाला था, इतनी भीड़ थी, इतने खच्चर थे,
और आते हुए कोई भी नहीं है, आते हुए सिर्फ हम लोग हैं, सिर्फ हम लोग। लाइट भी ऐसे देखो पकड़ के मुझे होल्ड करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब ये एक आई है थोड़ी सी जली हुई लाइट, प्लस हम लेट हो रहे हैं, सबसे पीछे चल रहे हैं, हमें फटाफट आगे भागना है। देखो अब ये थोड़ी सी लाइट आई है, आगे फिर बंद जाएगी, बस एक ही चली हुई है। लेकिन मजा बहुत आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। चलो जी नीचे नीचे पहुंच के नीचे पहुंचते हैं। तो अब तो पानी भी तो भरना है, पानी की बोतल ले लेंगे, बोतल ले लो भाई, जल्दी आ यार। चलो चलो आगे भाई, आ गया प्रेशर, आ गया, लेट्स गो भाई। साबुन दियो भैया, साबुन दो भैया, साबुन दो, साबुन बहुत जरूरी है। वो पीछे पंप है ना, पानी बोतल बोतल यहाँ, हाँ ले रहा हूँ, ये बोतल मिल गई, प्रेशर आ रहा। चलो चलो जल्दी आ। रात के 2 बजे फ्रेश हो गया, बिल्कुल गुप अंधेरे में और किसी स्टाइल में हो गया, हो गया, ओ हो गया भाई, ये सब हो गया। हमारे सारे यात्री इधर बैठे हुए हैं और कुछ ये हमारा चीता ऐसे दौड़ दौड़ के काम कर रहा सबके लिए। ये देखो ये रहे हमारे ड्राइवर भाई साहब, आप इनसे मिल चुके हैं। और आप कौन है भैया? भैया मैं बार्बर हूँ, इनकी दाढ़ी सेट सेट करने वाला। अरे क्या बात है, ये हमारे दुकान वाले भैया, इनको हमने परेशान किया हुआ रात में, परेशान क्या किया हुआ, इनकी मौज हो रही है इनकी। मैगी के ऊपर चिप्स क्रंच करके, ओहो, क्योंकि इसी बात खाना कहीं मिलेगा नहीं, हमें सीधा सुबह ले जाके अब सिर्फ ब्रेकफास्ट करना है और होटल में जाके चित हो जाना सबको। हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेते हैं। अरे बैठो यार, बैठ के खाने के। बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं उलझता नहीं था, कहीं पे हो राते कहीं पे सवेरे, आवारगी कहीं साथ मेरे, ठहर जा ठहर जा ये कहती है तेरी। भाई साहब बहुत रात हो चुकी है, सब सो गए हैं, सब ऑलमोस्ट सब सो गए हैं, सिर्फ मैं ये चीता जगा हुआ है, पर हमारे ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे हैं। ड्राइवर साहब कितना रह गया हमारा अभी, कितना किलोमीटर? 25 किलोमीटर। अरे बाप रे, अभी 25 किलोमीटर और रह गया भाई। मैंने पीछे काफ़ी देर पहले देखा था 50 किलोमीटर का बोर्ड, अभी भी ड्राइवर भी हमारे कह रहे हैं 25 किलोमीटर, सो वी हैव टू कंटिन्यू। वीडियो ख़त्म होने वाली है, सोने भाई एक डायलॉग मार दो मस्त वाला। अगली बार टाइम से आना, नहीं तो मैं खुद गाड़ी लेके चले जाऊंगा। जी हमारा होटल आ गया, हमारा होटल आ गया, हमारे सिपाही पीछे, जय माता दी। पूरा पैर दर्द हो गया, ये हमारे साथ ही आ गए सारे। हाँ ठीक है, अपराध देखिए रे भाई, स्टेबिलिटी ना, कैमरे में कुछ भी ना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक एक कमेंट जरूर करना, मिलते हैं अगली वीडियो में।